Hello friends, welcome back to my channel Bonsai Hunter. Today I have got a ficus bonsai and I am going to show you how to repot a ficus bonsai. साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो रिपोर्टिंग के वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो. फाइकस की रिपोर्टिंग हर 2 साल में हमें कर देनी चाहिए. अगर 2 साल से ज़्यादा हम हमारे बॉन्साई प्लांट्स की रिपोर्टिंग में देरी करते हैं तो रूट बाउंड होने का खतरा बरकरार रहता है. अगर प्लांट रूट बाउंड होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है. नंबर 2, रिपोर्टिंग आपको सही मौसम में फेवरेबल वेदर हो तभी करनी है. इसके लिए बरसात का मौसम सबसे बेस्ट रहता है. स्प्रिंग की शुरुआत में भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं. फाइकस को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बरसात में ही ज़्यादातर रिपोर्टिंग करता हूँ. फाइकस को रिच सॉइल पसंद है, साथ ही साथ सॉइल वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए. हाई ह्यूमिडिटी में फाइकस की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है. तो फाइकस की लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे. अगर आपका फाइकस ह्यूमिडिटी वाली लोकेशन के पास में है तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और प्लांट हेल्दी रहेगा. ध्यान रहे, इसे वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है. अगर वाटर लॉगिंग होती है तो रूट रॉट भी हो सकता है. जब भी आप रिपोर्टिंग करें, लीव्स को प्रून कर दें. लीव्स की प्रूनिंग से प्लांट को शॉक नहीं लगता है और नई ग्रोथ बहुत फास्ट आती है. जब हम लीव्स की प्रूनिंग करते हैं तो हमें रेमिफिकेशन भी मिलता है. रेमिफिकेशन यानी नई नई ब्रांचेस. इसलिए जब भी आप अपने फाइकस को रिपोर्ट करें तो लीव्स की प्रूनिंग कर दें. रिपोर्टिंग के बाद आप अपने प्लांट को सेमी शेड में रखें, हाई ह्यूमिडिटी में रखें, हार्श वेदर और डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें. ऐसा करने से आपके प्लांट को जो शॉक लगा है रूट की प्रूनिंग से, लीव्स की प्रूनिंग से, उससे वो सेव हो जाएगा. सबसे पहले हम वायर्स को खोलेंगे जिससे हमने प्लांट को टाई कर रखा था. सेकेंडली, आपको यूज़ करना है कोई टूल जिससे आप पॉट के साइड की जो जमी हुई मिट्टी है उसे स्क्रैच करके अलग कर सकें. मैं यूज़ करता हूँ हैक्सो, बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है ये पॉट से प्लांट को बाहर निकालने के लिए. देखिए किस तरीके से जड़ों ने जाली को जकड़ लिया है और पॉट के बेस में पूरी तरीके से रूट्स का डेवलपमेंट हो गया था. यहाँ पे सर्कुलर रूट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, यानी कि पॉट के बेस में रूट्स राउंड राउंड होके कवर करती गई है उसे. तो जो लंबी लंबी रूट्स हैं उनकी प्रूनिंग कर दें. पानी के प्रेशर से रूट्स से सॉइल को हटा दें. और इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वह यह है कि सारी लीव्स को आप प्रून कर दें, वरना शॉक से प्लांट डेड हो सकता है. तो हम सबसे पहला काम ये लीव्स हटाने का करेंगे. हमारे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि पॉट के अंदर होल कैसे करें, टेराकोटा पॉट के अंदर होल कैसे करें. ये टेराकोटा का पॉट है, इसमें होल करना काफ़ी आसान होता है.
आप किसी भी ड्रिल से इसके अंदर होल कर सकते हैं। जहाँ तक सेरेमिक का सवाल है या प्लास्टिक का सवाल है, आप उसके अंदर आसानी से डायमंड ग्लास ड्रिल से होल कर सकते हैं। सेरेमिक के लिए ये ड्रिल बहुत ही अच्छी होती है। इस ड्रिल से हम सेरेमिक पॉट्स में आसानी से छेद कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो आइए इस पॉट में होल करके आपको बताते हैं। पॉट के बेस में सफिशिएंट होल हैं, इसके ऊपर हम वायर नेट लगाएंगे। यहाँ पे मैं वायर नेट का बड़ा टुकड़ा यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे दो दो इंच के टुकड़े एक एक होल को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है वायर जो हम प्लांट को टाई करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें पॉट को तैयार करना चाहिए। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले ब्रिक्स के पीसेस और ग्रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास में है ब्रिक्स पीसेस। मैं अक्सर ग्रिट का इस्तेमाल भी करता हूँ। इससे सॉइल वेल ड्रेन रहती है, पानी टिकता नहीं है, और साथ ही साथ ये ब्रिक्स पीसेस ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखते हैं। अब हम बॉन्साई सॉइल की एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर बिछाएंगे और उसके बाद प्लांट को रखेंगे। आपकी बॉन्साई सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, सैंड और ग्रिट भी उसमें बहुत होनी चाहिए। जहाँ पे हम प्लांट को रखने वाले हैं वहाँ पे एक आप सॉइल की थोड़ी ऊंची ढेरी बना दें, जिससे कि जो रूट्स हैं उनके अंदर एयर पॉकेट्स ना बने। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपसे शेयर करूँगा, आप रूट्स को मॉइस्ट रखें, लगातार स्प्रे करते रहें उस पर। ये एक राउंड पॉट है, प्लांट को थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखें, थोड़ा सा। हमारी ये जो बॉन्साई सॉइल है इसमें हमने गॉट ड्रॉप्स का यूज किया है, बकरी की मींगनी। ये एक स्लो रिलीज सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। सॉइल को आपको अच्छी तरीके से प्रेस करना है और रूट्स के अंदर कोई एयर पॉकेट्स न रहे, ऐसा आपको सुनिश्चित करना है। So friends, reporting has been done. Now we will water the plant and keep the plant in semi-shade for a few days. Reporting के बाद जब भी आप पानी पिलाएं तो इतना पानी पिलाएं कि नीचे से पानी निकल जाए।
So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye. Easy come, easy go. No need to fight about it.